और इतनी इंफॉर्मेशन से आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है आई होप लॉजिक आप समझ गए होंगे हमको क्या करना है इस क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा ठीक द सॉल्यूशन। हियर वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है क्वाड्रेंट और स्क्वायर का आपको मालूम है क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू है और स्क्वायर ओ ए बी सी है एग्जाम में आपको नाम लिखना चाहिए वैसे ना एक एक करके हम क्वाड्रेंट और स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं फिर आप इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दीजिएगा आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा ठीक पहले तो स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लीजिए काफ़ी ईजी है स्क्वायर की बात करूँ अगर तो आपको ओ ए गिवेन है ट्वेंटी सेंटीमीटर और अगर आप फिगर को देखें तो ओ ए जो है वो ओ ए बी सी जो स्क्वायर है उसका एक साइड है वी हैव साइड ऑफ स्क्वायर एज ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इसका मतलब इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब ट्वेंटी का स्क्वायर और ट्वेंटी का स्क्वायर होता है फोर हंड्रेड तो आपको स्क्वायर का तो एरिया मिल गया एज फोर हंड्रेड अब अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ तो क्वाड्रेंट जो होता है वो एक सेक्टर होता है आपको मालूम है क्वाड्रेंट इज ऑल्सो सेक्टर हुज एंगल इज नाइन्टी डिग्री तो एंगल तो आपको मालूम है लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस चाहिए ठीक यहाँ पे रेडियस आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है सेक्टर का रेडियस फाइंड करने के लिए आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा ध्यान से देखिए अगर मैं ओ और बी को ज्वाइन करूँ ठीक अगर मैं ओ और बी को ज्वाइन करूँ तो ये भी तो सेक्टर का रेडियस है ओ पी भी रेडियस है ओ क्यू भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है और फॉर्चुनेटली ओ बी जो है वो इस स्क्वायर का डायगोनल है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ फाइंड कर लेंगे और वही हमारे सेक्टर का रेडियस होगा ठीक यार वी नो दैट या फिर यहां पर लिखता हूँ फ्रॉम फिगर वी हैव ओ बी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर ठीक देयरफॉर ओ बी क्या होगा डायगोनल हम कैसे फाइंड करते थे रूट टू टाइम्स ऑफ ए ए आपके पास क्या होता था स्क्वायर का साइड मतलब रूट टू ए आपके पास है ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड किया मैंने ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये ओ बी आपके पास आ गया ट्वेंटी रूट टू सेंटीमीटर ठीक और ये जो ओ बी है यही आपका सेक्टर का रेडियस भी है देरफो वी हैव रेडियस ऑफ सेक्टर मैंने शॉर्ट में आर लिख दिया उसको रेडियस ऑफ सेक्टर एज ट्वेंटी रूट टू सेंटीमीटर और सेक्टर का एंगल तो आपके पास नाइन्टी डिग्री है ही ठीक तो हम इजीली इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे करता हूँ वी हैव एरिया ऑफ सेक्टर एज फॉर्मूला क्या था थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वेर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं थीटा के प्लेस पे आप नाइन्टी पुट करेंगे अपॉन थ्री सिक्सटी पाई क्वेश्चन में गिवन आपको थ्री पॉइंट वन फोर लेना है इंटू रेडियस आपके पास है ट्वेंटी रूट टू तो ट्वेंटी रूट टू का स्क्वायर करना होगा मैंने ट्वेंटी रूट टू को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ध्यान से देखिएगा जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया नाइन वन जो नाइन एंड नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स और फोर वन ज़ा फोर होता है और फोर फाइव जै ट्वेंटी क्या क्या बच रहा है आपके पास थ्री पॉइंट वन फोर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या क्या बच रहा है मैं रफ़ रफ़ वर्क कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फाइव रूट टू इंटू ट्वेंटी रूट टू इतनी चीज़ें आपके पास बच रही है देखिए रूट टू रूट टू तो टू हो जाएगा फाइव टूज टेन टेन इंटू ट्वेंटी होगा टू हंड्रेड तो आपके पास बचेगा थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टू हंड्रेड थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टू होता है सिक्स पॉइंट टू एट इंटू हंड्रेड करेंगे तो आपको सिक्स ट्वेंटी एट मिलेगा ठीक है ये जो भी मैंने येलो कलर से किया ये पूरा रफ वर्क है आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं आपके पास सेक्टर का एरिया कितना है सिक्स ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर अब आपके पास स्क्वायर का एरिया भी है और क्वाड्रेंट जो एक्चुअली सेक्टर भी था उसका एरिया भी आपने फाइंड कर लिया है वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं वी हैव एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज एरिया ऑफ क्वार आपके पास है सिक्स ट्वेंटी एट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायेर आपके पास है फोर हंड्रेड जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा टू हंड्रेड ट्वेंटी एट और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छा क्वेश्चन था वैसा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था दिस कंप्लीट सर सोल्यूशन लेट अन्थ क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज